उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुंडा पुलिस ने विजय प्रताप सिंह से जुड़े मामले में गुलशन यादव की गिरफ्तारी की है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। गुलशन यादव ने साल 2022 में कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ा था। गुलशन यादव मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ के कार्यकारी जिलाध्यक्ष हैं। बीते कुछ सालों में गुलशन यादव और उनके भाई छविनाथ यादव कई बार जेल जा चुके हैं। गुलशन यादव ने चुनाव के समय आरोप भी लगाए थे कि राजा भैया के इशारे पर उन्हें परेशान किया जा रहा है और राजनीतिक बदला लेने की कोशिश की जा रही है। गुलशन यादव के खिलाफ प्रतापगढ़ और प्रयागराज में लगभग 29 केस दर्ज हैं। उनके भाई और सपा के जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव फिलहाल जेल में हैं और उनकी गैर मौजूदगी में गुलशन यादव को सपा कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में सपा से कुंडा प्रत्याशी रहे गुलशन यादव से कोतवाली इलाके के पहाड़पुर बनोही ग्राम प्रधान पुष्पेंद्र सिंह के चाचा विजय बहादुर सिंह से मारपीट हो गई थी। विजय सिंह ने मामले में गुलशन समेत 6 नामजद और 30 से 35 अज्ञात पर चोरी का केस दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान इसमें घर में घुसकर मारपीट, डकैती और तोड़फोड़ का आरोप सामने आया था। मामले में कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद कुंडा पुलिस ने मंगलवार सुबह गुलशन को प्रयागराज के कर्नलगंज इलाके में स्थित डायमंड जुबली हॉस्टल से गिरफ्तार किया है। यूपी के प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट पर राजा भैया की धूती बोलती है। गुलशन यादव की गिनती कभी राजा भैया के करीबियों में होती थी, लेकिन बाद में रास्ते अलग हो गए। गुलशन यादव ने सियासी सफर राजा भैया के साथ शुरू किया था। जब मायावती सरकार में राजा भैया पर कोटा लगा था, तब उसके गवाह राजेंद्र यादव थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी। गुलशन यादव इसको लेकर चर्चा में आया और जेल गया। एक समय पर राजा भैया के बेहद करीबी रहे गुलशन यादव और छविनाथ यादव की राहें उस वक्त अलग हो गईं, जब राजा भैया ने सपा से अलग अपना रास्ता चुन लिया। राजनीतिक विरोध इस कदर हो गया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव को चुनावी मैदान में उतारा और ये चुनाव काफी रोमांचक भी रहा। हालांकि आखिर में राजा भैया एक बार फिर से कुंडा सीट से जीतने में कामयाब रहे।